अगर आपको सत्ता में रहना है तो आपको जाति पे पकड़ बनानी ही पड़ेगी। इसीलिए तमाम दल जब बिहार में फैसला किया गया कि जातिगत जनगणना होगा, नानुकर करते हुए भी तमाम दलों ने इसका समर्थन किया था। भाई साहब क्यों? क्योंकि जाति है तो बिहार में कुर्सी है, और कुर्सी के लिए तो जातिवाद तो बिहार में एकदम चरम सीमा पे होता है। 500 करोड़ रुपए लग रहे हैं बिहार में जातिगत जनगणना में, पर क्या जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, क्या उसकी हकमारी की जाती है इस बिहार में? क्या अन्य जातियों को असली हक मिलता है इस बिहार में? आज हम बात करने वाले हैं धानुक जाति की, जिसको कि बिहार में अति पिछड़ा बोला गया है। सोच सकते हैं, धानुक जाति को बिहार में अति पिछड़ा बोला जाता है, और समाज में यह माहौल भी बनाया गया है कि धानुक जाति कुर्मी का उपजाति है, जो कि यह सरासर गलत है। यह माहौल इसलिए फैलाया गया है कि जो कुर्मी का कोर वोटर है, जो कि धानुक कोर वोटर है, वह कुर्मी समाज के साथ एक हो जाए। और इसका सबसे बड़ा फायदा किसको मिल रहा है? तो हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को मिलता है इसका फायदा। फायदा तो मुख्यमंत्री जी को मिल रहा है, क्या धानुक समाज को इसका फायदा मिलता है? आखिर मुख्यमंत्री जी ने अपने शासन प्रशासन काल में कितने धानुक को मंत्री बनाया है? फिलहाल अभी शीला मंडल और दामोदर राउत थे, अभी फिलहाल शीला मंडल जो धानुक समाज से आती है वह अभी मंत्री में है। मगर यह बात है, जिस धानुक समाज को मैनिपुलेट करके सारा वोट कुर्मी फेवर में किया जाता है, उस धानुक समाज से कितने लोग आगे बढ़ पाए हैं, यह सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात यह है, जिस धानुक समाज को 19 राज्यों में शिड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जनजाति में मान्यता प्राप्त है, उसी जाति को आखिर बिहार में सारा लबोलुबाब समझिए तो धानुक को बिहार में ओबीसी का दर्जा प्राप्त है, मगर अन्य राज्यों में धानुक को शिड्यूल कास्ट का दर्जा प्राप्त है। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा बेईमानी धानुक के साथ किया जा रहा है। लोगों का तो कहना है, भाई हम तो कहेंगे अगर तुम धानुक हो तो गर्व से कहो हम धानुक हैं, हम कुर्मी नहीं हैं। अगर आंकड़ों की बात किया जाए बिहार में तो धानुक समाज का जो आंकड़ा है कुर्मी से ज्यादा है। मगर धानुक का असली हक किसको मिलता है? कुर्मी समाज को मिलता है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो कुर्मी समाज से आते हैं और पिछले 17 सालों से मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं। क्या उन्होंने कभी कोई बड़ा पोस्ट किसी धानुक समाज के नेताओं को दिया है? और सबसे बड़ी बात है, हमारे उन नेताओं से भी है जो धानुक समाज से आता है, जो अपनी बातों को मुखर होकर नहीं बोल पाते हैं, या फिर वह सिर्फ चमचागिरी में लगे हुए रहते हैं, वह हक नहीं मांग पाते हैं अपना, सिर्फ अपना चमचागिरी का पैसा, सिर्फ अपना चमचागिरी में लगे हुए रहते हैं, पर जो असली हक है, जो धानुक समाज को हक मिलना चाहिए, वह हक धानुक समाज को नहीं मिल पा रहा है। इस वीडियो में हम एक बात और कहना चाह रहे हैं, अगर आप धानुक समाज से हैं, अगर आप धानुक समाज को एक करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में एक व्हाट्सएप लिंक रहेगा ग्रुप का, उस ग्रुप का नाम है गर्व से कहो हम धानुक हैं। आप उस ग्रुप में इस लिंक के जरिए, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे जाके आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं और अपनी आवाज को बुलंद बना सकते हैं। अगर बिहार में कोई भी दिक्कत होगा धानुक समाज में, अगर आपको शोषित किया जाता है, अगर आपको हकमारी किया जाता है, तो देसी बिहार अंतोष कुमार पत्रकार आपकी आवाज बनने के लिए तैयार है। अगर अंतोष कुमार एक कदम बढ़ाता है तो आपको भी 10 कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। आप अगर 10 कदम आगे बढ़ाइएगा तो देसी बिहार का पत्रकार आपके लिए 100 कदम आगे बढ़ाएगा। सबसे बड़ी बात है, धानुक समाज को आज के समय में एक रहना पड़ेगा, क्योंकि यह हमारी हक की बात है। हक की बात है साहब, अगर धानुक समाज को 19 राज्यों में शेड्यूल कास्ट का दर्जा है तो बिहार में अति पिछड़ा क्यों है? क्यों बिहार में धानुक समाज के साथ दोहरा चरित्र
किया जा रहा है, आखिर हकमारी क्यों की जा रही है, और हमारा सवाल है हमारे जो नेता हैं वो आखिर क्यों नहीं मुखर होके सरकार के खिलाफ बोल पाते हैं, क्यों नहीं हुए जन आंदोलन करते, क्यों नहीं हुए गांधी मैदान को धानुक समाज के लोगों से भर देते हैं कि आज हम अपना हक मांगने के लिए आए हैं, सरकार से अपना हकमारी के लिए वह आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं, आखिर धानुक समाज के साथ इतना पिछड़ापन क्यों किया जा रहा है, जबकि हम लोग अब हम कुछ आंकड़ों की बात करते हैं। जैसे मेरा घर लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में अगर आंकड़ों की बात किया जाए अगर जातिगत आधार पे तो भिवयार एक नंबर पे है, और दो नंबर पे किसका है, दो नंबर पे धानुक है। अगर शेखपुरा की बात करते हैं तो शेखपुरा में भी भूमिहार एक नंबर पे है, धानुक दो नंबर पे है, यादव तीन नंबर पे है। हमारे एक और पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट हम बेगूसराय की बात करते हैं तो बेगूसराय में भी भूमिहार एक नंबर पे है, धानुक दो नंबर पे है। धानुकों का आंकड़ा बिहार में बहुत ज्यादा है, मगर धानुकों के साथ उसकी हकमारी की जा रही है। अगर आपके साथ वे हकमारी की जा रही है तो आप लोग हमारा सपोर्ट करें, हमें एक मंच दे, और एक मंच पे साथ आकर हम लोग अपनी आवाज को उठाएंगे और अपना हक मांगेंगे सरकार से, आखिर धानुकों को असली हक क्यों नहीं मिल पा रहा है, हमारे वह नेता कहां छुपे हुए रहते हैं जो कि धानुक के बल पे मंत्री बन जाते हैं, मगर असली हक जो जनता को मिलना चाहिए, जो गरीब से गरीब धानुक है, जो गरीब से गरीब धानुक समाज के लोग हैं, जिसके पास खत खलियान नहीं है, जो कि बिहार के बाहर कमाने जाते हैं, जो कि बहुत निम्न स्तर के लोग हैं, उसके लिए आवाज कौन उठाएगा, कौन आवाज उठाएगा, वह आवाज देसी बिहार उठाएगा और देसी बिहार का पत्रकार अंतोष कुमार उठाएगा। आप कहीं भी रहें आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये नंबर है व्हाट्सएप, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आप हमें व्हाट्सएप करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है।